चो तो यार आज हम पे देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। यार मेरे पास कई सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालें इसको बताओ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पर आज अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, तो यार हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन तरह की देख रखी होंगी यार। पहली होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वन होती है यार वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यार मैं वी की बात करूं तो वी क्या होता है यहाँ पर, वी जो है अपनी वो क्या होती है, फाइनल स्पीड होती है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और मैं यू की बात करूं यार तो यू क्या होती है अपनी, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है यार, और यहाँ पे एस क्या है तुम्हारा, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। टी तुम्हारा यहाँ पे क्या है, टाइम है। और ए क्या है यहाँ पर, एक्सिलरेशन है। तो यार ये क्लास 9th में भी प्रूव करने को आती है और क्लास 11th में भी प्रूव करने को आती है, बस यार चीजें बदल जाती हैं। क्लास 9th में हम लोग किससे करते हैं, ग्राफ मेथड से करते हैं, और क्लास 11th में किस मेथड से करते हैं, कैलकुलस मेथड से करते हैं। तो एक ही करके देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे ग्राफ मेथड, प्रूफ देखेंगे यार इसका ग्राफ मेथड से। तो यार मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है यार। ये अपनी जो है ये अपनी टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस, और ये अपनी एक्सिस जो है यार ये अपनी वेलोसिटी एक्सिस है। ये यार अपनी इनिशियल वेलोसिटी यू है और ये अपनी फाइनल वेलोसिटी वी है। यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूँ वैसे यार, और इसको भी मिला देते हैं यार, और इसको भी मिला देते हैं यार। ठीक है, ये वी फाइनल स्पीड है अपनी। ये नाम दे देते हैं यार इसको जीरो, इसको ए, ठीक है, इसको बोल देते हैं बी सी डी ई। ठीक है यार, तो जाहिर सी बात है यार यहाँ पे मतलब ये लेंथ किसके बराबर है, पूरी की पूरी टी के बराबर है, ये यू है, ठीक है, और पूरी हमारी वी है। तो ये कितनी हो जाएगी यार यहाँ पे, ये ठीक है वी माइनस यू हो जाएगी अपनी। ठीक, तो यार सबसे पहले तुम लोगों ने यार स्लोप देख रखा होगा, स्लोप, ठीक है। स्लोप ग्राफ में क्या होता है, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन टी टू, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो यहां पर यार ये स्लोप क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी के चेंज के होने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अपना कैसे डिफाइन है, वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो यार देखो एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी अपनी वी है, तो फाइनल वेलोसिटी वी इनिशियल वेलोसिटी यू, और टाइम ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा जीरो। तो ये आ गया ए वी माइनस यू अपॉन टी, टी इधर आ गया ए टी वी माइनस यू, यू इधर आ गया, तो ये हो गया ए प्लस। तो यार ये पहली इक्वेशन जो है अपनी वो प्रूव हो चुकी है, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है वो सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में कुछ नहीं, एरिया निकाल देंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया देखेंगे हम लोग इस पे, सेकेंड इक्वेशन में एरिया जो है हम लोग वो देखेंगे। एरिया हम लोग अगर मैं बात करूं ए बी सी का, ठीक है, ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, ये भी अपना टी होगा, ठीक है। तो मैं एरिया देख रहा हूं, एरिया ए बी सी का, ए बी सी का, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ, और ये, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यार, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो कवर्ड एरिया है, मतलब ये नीचे वाला पार्ट, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यार ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगी हाइट, ठीक है,
सॉरी v माइनस यू है, ठीक है, और ये हो जाएगा टाइम। तो यार हम लोगों ने पीछे देख रखा था कि a इज इक्वल टू, हमको पता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, a इज इक्वल टू क्या था अपना, v माइनस यू अपॉन टी। तो यार इसकी जगह पर मैं at भी लिख सकता हूं, हाफ a, एक और t है यहां पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ a t स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन वन। अगर नीचे वाले की एरिया की बात करूं, नीचे वाला एरिया अपना क्या है, रेक्टेंगल है, एरिया रेक्टेंगल है, यानी ए पी ई ओ, ए पी ई ओ। तो यार रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यार यहां पे ये कितना है, यू इनटू टी, तो यार ये कितना हो गया, यू टी। ये दोनों, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो अगर दोनों इक्वेशन का आप एडिशन करें तो किसके बराबर होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यार यहां से ये इतनी सेकेंड इक्वेशन भी प्रूव हो गई। अब यार थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो थर्ड इक्वेशन में क्या है यार, टाइम नहीं होता, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से टाइम को निकाल के सेकेंड में प्रूव पुट कर दूं। अपनी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन से मैं अगर टाइम को निकालूं तो ये हो जाएगा v माइनस यू। तो मैं इसको क्या करूं, पुटिंग इन, इसको अगर मैं स्टार मान लेता हूं, इक्वेशन स्टार, स्टार में मैं पुट करता हूं तो देखो क्या आता है भैया, ये हो जाएगा s, ये u, v माइनस यू अपॉन a प्लस a, यार इसका स्क्वायर है यहां पे, ठीक है, और नीचे हो जाएगा कुछ a का स्क्वायर। तो a के से यार एक ही कट गया, ठीक है, तो a के से एक a कट गया यार। और यहां पे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम लेके ये हो जाएगा 2as, और ये हो जाएगा v u माइनस यू स्क्वायर प्लस टू, टू यहां भी आएगा, ठीक है, ये भी टू आएगा, यहां भी टू आएगा क्योंकि टू का एलसीएम दिया गया था। यहां पे आएगा यार प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। तो यार ये कट गया, ठीक है, क्या बचा, टू ए एस, इसमें से जाएगा ये, तो ये आ गया यार वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको यार मैं अगर इधर ले आऊं तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो यार ये इक्वेशन जो है मोशन की, वो थर्ड, तो ये भी यार प्रूव हो गई, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता, तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम को निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हम बात करेंगे कैलकुलस मेथड से, इक्वेशन ऑफ मोशन को ही प्रूव करेंगे अब हम कैलकुलस मेथड से। तो यार इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला काम है, ठीक है, को प्रूफ करने के लिए यार a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ठीक है यार डीवी बाई डी टी। अब क्या करेंगे यार, हम लोग इस डी टी को ऐसे लिख सकते हैं डीवी, ठीक है, अब इंटीग्रेट कर ले दोनों साइड। अब यहां पे हम लिमिट लगाते हैं तो होगा क्या यार, टाइम जीरो से स्टार्ट था, कहां तक गया था, टी वेलोसिटी स्टार्ट थी इनिशियल टू फाइनल, तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा ए टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट है जीरो से टी, वी इसकी लिमिट है यू टू वी। तो यार इसके बाद लिमिट अगर लगाऊ मैं तो ये होगा इनिशियल माइनस फाइनल, ये होगा इनिशियल माइनस फाइनल, ये हो गया यार ए टी v माइनस यू। तो ये इधर आ जाएगा यार v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। तो यार ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन की आ गई, ठीक है। अगर मैं इसी तरह बात करूं सेकेंड इक्वेशन की, तो सेकेंड इक्वेशन अपनी क्या होगी यार, v इज इक्वल टू टी एस बाई टी टी। तो v के जगह पर अगर हम ये पुट कर दें, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं v डी टी टी एस, v की जगह पर अगर हम पुट कर दे u प्लस ए टी, तो डी टी ये हो जाएगा ds। अब दोनों साइड क्या कर दो मैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा जीरो से t,
ये हो जाएगा जीरो से एस, तो इसका आएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जीरो से टी ये हो जाएगा एस, जीरो से एस, तो यार लिमिट रखने पर आएगा ये यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। यार ये आ गई अपनी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड वन प्रूव करते हैं यार, थर्ड वन के लिए। यार थर्ड वन थोड़ी सी सोचने वाली होती है, थर्ड वन के लिए हम लोग क्या करेंगे यार, थर्ड वन के लिए a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है। अगर मैं इसी में क्या करूं, ऊपर नीचे ds का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, ds ds बाई डी टी। तो यार ये जो टर्म है ds बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं, v dv बाई ds, साइड में मेंशन कर दे रहे हैं यार, ds बाई डी टी के बराबर होता है, और ये इसके बराबर आ गया यार, ठीक है। तो ये यार ds a इंटीग्रेशन dv, v इनिशियल v है, फाइनल इनिशियल u है, फाइनल v है, जीरो s, तो यार ये हो जाएगा ए एस, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर माइनस टू। तो यार यहाँ पे टू को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा टू ए एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यार ये अपनी इक्वेशन की थर्ड आ गई। तो यार आज हम लोगों ने क्या देखा, इक्वेशन ऑफ मोशन देखी। इक्वेशन ऑफ मोशन देखने का जनरली क्या था कि हम लोगों ने दोनों क्लास की देखिए, क्लास नाइन्थ में जैसे ग्राफ मेथड से प्रूव करते हैं और क्लास इलेवेंथ में कैलकुलस मेथड से। यार अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब मार देना।